बाग में सांप ने ईव से बातें की और उन्हें पाप में ले गया। परमेश्वर ने ये किसी भी जानवर को ये शक्ति नहीं दी कि वे इंसानों से बात कर सकें, लेकिन परमेश्वर किसी को भी कोई भी आशीष दे सकते हैं जो उसकी क्षमता से बाहर हो, फिर चाहे वो एक इंसान हो या कोई जानवर। वो अपने स्वर्ग राज्य के काम के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए। हम परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार और समर्पण करते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 27 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को नीचे दिए बैठ गई, फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा, उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। जब बलाम को मोआब के राजा बलाक ने इज़राइली लोगों को श्रापित करने के लिए बुलाया तो परमेश्वर ने उसे पहले रोका, फिर जाने दिया, और ये बार बार क्यों हुआ? नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। गिनती 22 की 6 आयत में बलाक जो मोआब का राजा है वो इज़राइलियों से डर गया, क्योंकि वो उससे बलवंत थे, उनका नंबर ज्यादा था। हालांकि उन्होंने उसे कोई कारण नहीं दिया था, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे उसे डरना चाहिए। वो बलाम जो एक नबी उसे बुलाता है, उसे ये प्रार्थना करता है कि तुम इन्हें आकर श्रापित करो। वो कहता है, मैं जानता हूं कि जिसे तुम आशीष दो वो आशीषित होता है और जिसे तुम श्रापित करो वो श्रापित हो जाता है। हमारे जीवन में ये होता कैसे है? उत्पत्ति 1 अध्याय 27 आयत में परमेश्वर ने हमें अपने अपसर रूप में बनाया, और जब कोई भी एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है तो उसकी इमेज उस मिरर में दिखाई देती है। जो भी वो इंडिविजुअल करता है वही मिरर में उसका साया करता है। अगर वो उससे मिरर से दूर होने लग जाता है, साया भी मिरर में उससे दूर होने लग जाता है। इसी प्रकार हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, हमें वही करना है जो परमेश्वर करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, और हमें वही बोलना है जो हमें वो बोलते हैं, उसी के अनुसार ही हमें चलना होता है। संत योहन्ना की इंजील 5 अध्याय 19 आयत में प्रभु यीशु जो परमेश्वर के सच्चे इकलौते पुत्र हैं, उन्होंने इसी बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, जो वो पिता को स्वर्ग में करते देखते वही यहां धरती पर वो करते थे, यही उन्होंने कह दिया। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ पैदा किया, जो उन्होंने कहा वो हो गया। इसी प्रकार जो परमेश्वर के साथ नजदीकी के रिश्ते में है वो भी अपनी जुबान का फल इसी प्रकार अपने जीवन में देखता है। गिनती 22 अध्याय 6 आयत में बलाक जो मिर्यान का राजा है वो इज़राइलियों को देखता है और बलाक नबी के पास संदेश भेजता है कि इन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें। वो डर गया है, इज़राइलियों ने उसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन 12 आयत में परमेश्वर बलाम को मना कर देते हैं। वो कहते हैं, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वो आशीष के बागी हो चुके हैं। इज़राइली लोगों को अब्राहम की आशीष है, जो तुझे आशीष देंगे तू वो मैं उन्हें आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर जो भी बलाम श्राप देता उसे कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाता।
क्योंकि उन्होंने इंसान को एक स्पीकिंग बोलने वाला इंसान बनाया था और उसके जुबान में ये शक्ति दे दी थी कि वो जो कहे हो सकता है। 15वीं आयत में अब बलाक ने दोबारा बलाम के पास भेजे और उसने हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे और उन्होंने उसे कहा किसी कारण मना मत कर, संदेश है कि क्यों मैं निश्चित तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। उसे उसने प्रलोभन दे दिया। अब परमेश्वर ने 20 आयत में बलाम के सामने दो कंडीशंस रख दी। उन्होंने कहा जो तुझे बुलाने आए हैं, अगर ये तुझे बुलाने आते हैं तो तू उनके उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। जो आए हैं अगर वो तुझे बुलाने आते हैं तब उनके साथ चला जाना, लेकिन जो शब्द मैं बोलूंगा वही तुझे बोलना है। अब 21 आयत में बलाम ईगर है, बिल्कुल वो तो जाना चाहता है, उसकी ग्रीड है परमेश्वर के वचन की, उसको कोई इतनी प्रतिष्ठा करने की इच्छा नहीं है। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकमों के साथ चल पड़ा। खुद ही उसने सबको तैयार किया और चल पड़ा क्योंकि वो जाना चाहता है। परमिशन जो दी गई थी उसमें हिब्रू इब्रानी भाषा का शब्द एटैम कहा गया था, ETAM, जिसका मतलब है मन से भिन्न होना, उनके विचारों में कोई आइडेंटिटी मत बनाना। वो फिजिकली उनके साथ जाना था उसे, लेकिन उसका प्राण उसकी सोल परमेश्वर की बात के साथ सहमति में रहना था। और जब वो चला तो बलाम जो वहां शब्द है वो एमोय है, एमोय का मतलब है वो मोआबी प्रिंसेस के साथ एक हो गया, उनके साथ विचारों में भी एक होकर चला हुआ। तो परमेश्वर का दूत उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। 35वीं आयत में फिर हम देखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे फिर जाने की परमिशन दे दी, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। यहां पर फिर वही इब्रानी भाषा का शब्द एटाय इस्तेमाल किया गया, एटाय की जगह पर। वहां वो कहते हैं कि तू इनके साथ पार्टनर मत बन जाना इनकी प्लान के अंदर, जो मैं कहूंगा वही तुझे बोलना है। परमेश्वर कभी भी कंफ्यूज नहीं होते कि उनको क्या चाहिए। पहली बार जब बलाम ने पूछा परमेश्वर से अपनी परमिशन के लिए, तो वो पहले ही वायलेशन थी उनकी उनकी आज्ञा के खिलाफ था वो, क्योंकि एक नबी का काम आशीष देना और एनकरेज करना है दूसरों को, किसी को श्रापित करना उनका काम नहीं है। दूसरी बारी जब उसने पूछा तो वो बिल्कुल पाप कर बैठा, और जो अब आज्ञा थी वो ये थी कि तुम बाहर से उनके साथ जाओ शारीरिक तौर पर, लेकिन अंदर से तुम उनके नजदीक नहीं होगे, मोआबाइट से तुम अलग ही रहोगे। जो परमेश्वर की प्राइमरी विल है, जो पक्की इच्छा है, वो परमेश्वर उन्होंने उसे परमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन सेकेंडरी या परमिसिव जो इच्छा है वो उन्होंने परमिशन दे दी तो जाना चाहता है, तो ये कंडीशन के साथ जाएगा। जहां पर हमारा मन होता है वही उत्तर हम सुनना चाहते हैं, और इसी बात को शैतान मिसयूज करता है और फिर हमें मिसलीड करने लग जाता है। हमारे मन में उल्टे सीधे विचार करता है कि जो अब तुमने मांगा हो गया, तुम तो बस चिंता मत करो। गिनती 31 अध्याय उसकी दूसरी आयत में मूसा को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था वो चट्टान पर मारने से कि अब तू इजरायलियों के साथ प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा। अब उसे आज्ञा मिलती है मिद्यानियों से इजरायलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा, पहले तू ये बदला ले, उसके बाद यू विल बी गैदर्ड टू योर पीपल। अब ये उसे ये पूरा करना है तो दूसरा काम होगा। मूसा इसे डिले कर सकता था, कोशिश करे भी ठीक है बदला लेंगे 10 साल बाद लेंगे, मैं बैठा रहूंगा तब तक और, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इमीडिएटली उसने चुने लोग और मिद्यानियों पर हमला कर दिया। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है अपने विचारों में, बोलने में और हर काम में, और ये किसी हाफ हार्टेड मैनर में नहीं करना कि हाँ चलो आधे उसे मन से कर देंगे। ये
सच्ची आज्ञाकारिता में चलने के बारे में है। मूसा ने यह किया, आशीषित हुआ, सबसे बड़ा नबी माना गया। बलाम ने नहीं किया, लड़ाई में बलाम भी मारा गया। उसके बाद में परमेश्वर ने अपने नबी बलाम से डायरेक्ट बात करने की बजाय एक गधे का मुंह खोलकर उसे क्यों रोका? बलाम ने मोआबाइट प्रिंसेस के साथ जाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। अब क्योंकि वो प्राइड से, अहंकार से भरा हुआ था और उसे ये अहंकार था कि मैंने परमेश्वर को परसुएड कर दिया, उसकी आज्ञा उसे मना लिया है, तो परमेश्वर ने भी एक अचंभा अचंभित करने वाला तरीका उसे इंसान की सच्ची पहचान देने के लिए इस्तेमाल कर लिया। परमेश्वर सॉवरन हैं, उनकी जो सॉवरन इच्छा थी वो ये थी कि वो ना जाए, लेकिन उनकी जो परमेश्वर इच्छा है, जो आज्ञा उन्होंने उसकी फ्री विल के कारण दे दी, वो ये था कि तुम जाओ, लेकिन बोलना वही जो मैं कहूँगा। गिनती 22 में, 22 से 35 आयत में परमेश्वर का स्वर्ग दूत बलाम का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, और ये चार कारणों से होता है। पहला तो ये है कि जो इनिशियल पहली वार्निंग उसे दी गई थी कि जो शब्द मैं बोलूंगा तुम्हें वही बोलना है, उसे दोबारा बताना था। दूसरा ये था कि उसे उसके ऊपर ये जाहिर करना जरूरी था ताकि वो नम्र हो कि परमेश्वर अपने आप को एक गधे को जाहिर कर सकते हैं और गधे को की आवाज के द्वारा उसे सच्चाई दिखाने की उन्होंने वो किया था, ताकि वो उसे दिखा दें कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कितना नजदीकी का था। गधा उससे बेटर उन्होंने जाहिर कर दिया। तीसरा, परमेश्वर ने बलाम को ये क्लियर कर दिया कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए एक जानवर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जुबान की जो शक्ति है वो भी परमेश्वर की आशीष है, और उसे इसे उनकी इच्छा के अनुसार ही इस्तेमाल करना है। संत लूका की इंजील पहला अध्याय 20 आयत में, गैब्रियल स्वर्गदूत है जो के भवन में जकारिया प्रीस्ट के सामने आता है और उसे फिर उसके घर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में बोलता है, लेकिन क्योंकि वो उसकी बात पर शक करता है ताकि वो कहीं और कोई गलत बात ना कह दे, तो वो उसे कह देता है जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। उसे उन्होंने मौन कर दिया, उसे म्यूट कर दिया। चौथा है, जो स्वर्ग दूत है बलाम का रास्ता रोके हुए है, वो स्वर्गदूत दया का स्वर्गदूत है। उसे डराने के लिए था कि वो परमेश्वर की आज्ञा माने, उसे या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे। बलाम को जाने दिया गया, कॉशन फिर वही है, आज्ञा फिर वही है, जो मैं बोलूं तुमने वही कहना है। लेकिन बलाम और उसके साथ जो लोग थे, वो लोग गधे की आवाज सुनकर अचंभित क्यों नहीं हुए? यहां कुछ भी नहीं लिखा गया है। बलाम एक ऐसा जीवन जी रहा था जहां पर के आत्मिक जो आशीषे आत्मिक एक्सपीरियंस थे वो चारों तरफ वल्गैरिटी और अनफेयर, जो कि गंदगी थी, पाप था, वो चारों तरफ फैला हुआ था, आत्मिक भी था और वल्गैरिटी भी थी। ये उसकी अपनी इच्छा में जाहिर होता है कि वो एकदम तैयार है जाने के लिए मिद्यानियों के साथ, हालांकि परमेश्वर ने उसे वार्निंग भी दी थी कि इजरायली लोग आशीषित लोग हैं। वो अपने अहंकार और लोभ से इतना अंधा हो गया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को भी भूल चुका था कि तुम उन्हें शरापित नहीं कर सकते हो, और यही बात उसने जो बलाक के दूत आए थे उन्हें भी उसने बताया नहीं, उन्हें सिर्फ यही कहा परमेश्वर ने मना कर दिया है। परमेश्वर ने पूरे संसार में अलग अलग तरीके से एनिमल्स और बीस्ट को इस्तेमाल किया है तो पुराने नियम में, ताकि वो लोगों को बता सकें किस प्रकार उन्हें दंड देना है या उन्हें कोई बात बताई जा सके। शैतान ने सांप को अदन बाग में इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने यह होने दिया। पहला राजा 17 अध्याय 3-4 आयत में एरिया नबी को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि तू क्रीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा,
उसी नाले का तो पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। कौए उसके लिए खाना लेके जाते हैं। फिर दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 23-24 आयत में, कुछ लोग हैं जो बेथेल में एलीशा नबी को चिढ़ाते हैं और वो उन्हें श्रापित देता है, श्राप कर देता है। और जंगल में से दो रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। दो रीछ निकल आए और 42 लड़कों को उन्होंने मार डाला। पहला राजा 13वां अध्याय। एक नबी है जिसे के जेरोबोआम के पास परमेश्वर भेजते हैं नॉर्दर्न किंगडम में, जो 10 ट्राइब हैं। वहां पर उसे आज्ञा दी जाती है कि जाओ तुम ये वचन वहां सुनाओ। वो चला जाता है, लेकिन उसे पहला राजा 13वां अध्याय 17वीं आयत में कहा गया है, वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना, दूसरे रास्ते से आना। एक वहां पर झूठा नबी है उसी बथल में, जो उसे आकर रास्ते में रोक लेता है और अपने घर में उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है। उसे कहता परमेश्वर से मुझे वचन आया है। 24-25 आयत में लिखा है, तब जो वो नबी आया था बाहर से यहूदा से, वो जब मार्ग से चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। शेर और गधा दोनों खड़े हैं, मारा सिर्फ उस नबी को है शेर ने। जो लोग उधर से चले जा रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर वहां वह बूढ़ा नबी रहता था, यह समाचार सुनाया। लोग जा रहे हैं पास से, शेर उन्हें कुछ नहीं कहता, उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसे आज्ञा सिर्फ दंडित करना है उस नबी को ही। योना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 17वीं आयत, योना 1 अध्याय 17वीं आयत में योना नबी को परमेश्वर आज्ञा देते हैं निनवे जाने के लिए, कि वहां जाकर उन्हें बता कि वो रिपेंट करें, तौबा करें अपने पापों की। लेकिन वो तार्शीश की तरफ जाने के लिए जहाज पकड़ लेता है, और क्योंकि तूफान आ जाता है तो लोग उसे समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन उसे बचाने के लिए और उसे एक रास्ता दिखाने के लिए आज्ञाकर्ता का, तो परमेश्वर ने योना 1:17 में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा, फिर उसने प्रार्थना की और जिंदा बाहर आ गया। मत्ती 24:27 में टेंपल टैक्स के बारे में, जो हर एक यहूदी को जो भवन था परमेश्वर उसके लिए टैक्स देना पड़ता था हर साल, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को तो यह टैक्स लागू नहीं था, क्योंकि उसी के लिए तो ये भवन है, उसी के तो वहां आराधना हो रही है। जब पत्रस रसूल को ये बोलते हैं यहूदी लीडर, तो 27वीं आयत में प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा दी कि तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें टैक्स दे देना। गलीली झील में जाके वो डाल बंसी और जो मछली पकड़ी जाएगी। परमेश्वर ने सब कुछ अपने खुशी आनंद के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए बनाया है, और फिर वो इस क्रिएशन के किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो आशीष दे सकें या उसके द्वारा दंडित भी कर सकें किसी को। बलाम ने कोशिश की थी कि मोआबाइट जो प्रिंसेस हैं उनके साथ एक मन में होकर उनकी प्लान के अनुसार जाए, बलाक के साथ उसकी प्लान में वो लग गया, जो उसको बुलाने आए थे उनके साथ वो बिल्कुल एक संगी हो गया। तो परमेश्वर ने अपने एक गधे को जो उन्होंने बनाया था उसकी आंखें खोलने के लिए और अपनी पावर दिखाने के लिए उसे दिखा दिया कि मैं गधे को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बलाम को सिखाने के लिए उन्होंने उसे इस्तेमाल किया, और यही हमें भी सीखना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, और हमें उनकी आज्ञाकारिता में ही चलना। बलाम की सारी कहानी के दौरान कोई भी इजरायली वहां पे नहीं था, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये सब वचन में लिखाया। इससे हमें आज के युग में क्या सीखना चाहिए? उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के सामने एल शिराई अपना नाम
दिखाया, जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वो क्रिएटर है, वो सब शक्ति सर्वशक्तिमान है, वो उन्होंने सब कुछ बनाया है और वो किसी भी चीज को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लूका 19:40 आयत में प्रभु यीशु जब यरूशलेम में जा रहे हैं एक गधे पर सवारी करते हुए, तो फरीसी लोगों ने, लोग उनकी महिमा कर रहे हैं, होसैना गा रहे हैं, तो फरीसी लोगों ने कहा, हे गुरु अपने चेलों को डांट। तो प्रभु यीशु ने उन्हें कह दिया कि अगर मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं पिता कि उनके पुत्र की महिमा हो, तो पत्थर उनकी महिमा करने लग जाएंगे अगर लोग चुप कर जाएंगे। मार्कुस 1:13 में प्रभु यीशु 40 दिन तक विल्डनेस में हैं, बियाबान में हैं, जब उनकी टेम्पटेशन होती है, और यहाँ लिखा है 40 दिन तक शैतान ने उनकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। जो वाइल्ड बीस्ट हैं जंगल के, वो उनके साथ थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा कर रहे थे। जो वाइल्ड बीस्ट हैं और आत्माएं हैं, चाहे वो स्वर्ग से स्वर्गदूत हैं या दुष्ट आत्माएं हैं, वो सब उन्हें पहचानते, और फिर वाइल्ड बीस्ट भी उनके सामने उनकी हजूरी में आना चाहते हैं, उनकी सेवा में बैठना चाहते हैं। दूसरा है, परमेश्वर जो भी श्राप है उसे आशीषों में बदल सकते हैं। गिनती 24:5 में, गिनती 24 उसकी 5 आयत में अगर हम देखें तो बलाम कह उठता है, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं, योर टेंट्स आर सो लवली, वो आशीषित कर देता है। रोमियो के पुस्तक 8:28 रोमियो के पुस्तक 8:28 में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। भलाई ही उत्पन्न होती है, बलाम की इंटेंशन कुछ थी लेकिन वो आशीषित कर गया लोगों को। तीसरा है, बलाम अहंकार और लोभ से भरा हुआ था, तो इसलिए उसने परमेश्वर को अपना मन बदलने की कोशिश, उसका मन बदलाने की कोशिश की। 1 Petrus 3:12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो विकेड है उनके खिलाफत में परमेश्वर खड़े हो जाते हैं। चौथा है, जो विकेड हैं परमेश्वर फिर उन्हें दंड भी देते हैं। गिनती 31:16 में बलाम ने जो बलाक के कारण शरापित तो नहीं कर सका, लेकिन उसने उसे ये कह दिया कि मिडनाइट औरतों को इजरायली कम में भेजो ताकि ये पाप पे लग जाए, और इसके कारण इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आ गया और बहुत लोग मारे गए। यहोशू 13:22 में बलाम फिर युद्ध में इजरायली मार देते हैं, उसे वो मारा जाता है वहां पर, क्योंकि उसे परमेश्वर ने दंडित करना ही करना है। 5 है, 1 Johannes 4:8 परमेश्वर प्यार है और उनका प्यार उनके न्याय के ऊपर हावी हो जाता है, जो हम देखते हैं उनके पुत्र के द्वारा। हमें न्याय दंड मिलना चाहिए था, लेकिन उनके पुत्र के द्वारा हमें माफी मिल जाती है पापों से। इजरायली लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि ये उनके चारों तरफ हो क्या रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ये इंश्योर कर दिया, पक्का कर दिया कि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। रोमियो के पुस्तक 8:26-27 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए विनती करते हैं और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, होली स्पिरिट हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते भी नहीं, इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अनगिनत तरीकों से आशीषें मिलती रहती हैं। 6 है, परमेश्वर फ्री विल देते हैं कि उनकी आज्ञा माने या ना माने। परमेश्वर ने बलाम को अपनी परफेक्ट विल के अनुसार उसे मना कर दिया कि मत जा, लेकिन उसने लोभ में आकर फिर परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे जाने दीजिए, और उन्होंने उसकी उन्होंने उसे अपनी परमिसिव विल
के अनुसार उसे भेज दिया। जब हम उनकी परफेक्ट विल से बाहर निकल जाते हैं तो उसके सदा के लिए हमारे ऊपर असर भी पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे ऊपर आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से हम बाहर निकले हुए हैं, अपनी इच्छा में चल रहे हैं। जो ये कहानी है बलाक या बलाम या इजरायलियों के बारे में भी नहीं है, ये कहानी है परमेश्वर के बारे में, उनके प्यार के बारे में, अपने लोगों के लिए उनका प्यार कितना है, और फिर और उन लोगों के लिए जो कि उनके लिए अलग होना चाहते हैं, चुने हुए लोग जो हैं, जैसे हम लोग चुने हुए हैं, इजरायली लोग चुने हुए हैं, विश्वासी होते हुए हम जो इस दुनिया के दूसरे विश्वास वाले, दूसरे धर्मों वाले लोग हैं, उनके लिए हम एलियन हो जाते हैं, वो हमें अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। लेकिन हमें आज्ञा दी गई है कि जो हमारा नेबर है, जिससे हम मिलते हैं, उसे हम प्यार करें, और इस प्रकार हम परमेश्वर का प्यार उनके ऊपर जाहिर करते हैं। मिडियनाइट लोगों के पास कोई कारण नहीं था कि वो इजरायली लोगों से नफरत करें, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने ये किया और फिर उसके लिए उन्हें दंड भी मिला। मत्ती 5:39 आयत में प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है, मत्ती 5:39 आयत में उन्होंने कहा के बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अपना प्यार उस पर जाहिर करो और फिर हमारी प्रार्थनाएं असर लाने लग जाती हैं, ताकि हम जो हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों को परमेश्वर बदलने लग जाते हैं, और फिर हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। और कोई हमें श्रापित करना भी चाहता है तब भी वो हमें श्राप नहीं दे सकता है। बलाक ने बलाम के द्वारा 3 बार कोशिश की, बलि दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन बलाम इजरायली लोगों को श्रापित नहीं कर सका। जब फिर हम अहंकार में आ जाते हैं तो हम इस बात के लिए भी तैयार रहें कि परमेश्वर किसी भी तरह से हमें दंडित कर सकते हैं, फिर वो कोई जानवर है या इंसान है या किसी भी तरह से, नेचुरल हो, अननेचुरल हो, सुपर नेचुरल हो, किसी भी तरीके से हमें दंड मिल सकता है, और सदा के लिए दंड तो मिलना ही मिलना है, नरक में तो जाना ही जाना उनकी आज्ञा से बाहर निकलने के कारण। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, जो उनकी इच्छा है उसमें चलने की ही कोशिश करें। जब हम उसमें चलने लग जाते हैं तो उनकी आज्ञा में चल रहे हैं और उनकी आशीषों के हकदार होते हैं, फिर कोई दूसरा हमारे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर हमारा बल और हमारी ढाल बन जाते हैं, हमें सुरक्षा देने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। यहोवा एडोनाय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या ही धन्य हैं आप कि आपने हमें चुना, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। हम आपकी आशीष में है क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हमें सिखाते हुए दिन प्रतिदिन बदलते हैं उस अक्ष और रूप में जिसमें आपने हमें बनाया, और जिसे आपने अपने बेटे, अपना अक्ष और रूप अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु में जाहिर कर दिया, और दिन प्रतिदिन हम उसी में ही बदलते जाते हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी आज्ञाकारिता में बने रहें, हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि आप सबसे प्यार करते हैं, दुष्ट से भी आप प्यार करते हैं, तो फिर हमारे लिए किसी को भी न्याय करने का अधिकार नहीं है। हम हर एक इंसान के लिए आशीष का कारण बनने की कोशिश करें, ताकि फिर हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। एक विश्वासी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सच्चाई की पहचान करना है, और परमेश्वर हमें ये किसी भी रास्ते से दिखा सकते हैं। बलाम को अपने ही गधे से सीख मिली क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना करने की कोशिश की। कहीं हम भी किसी तरह उनको वो दबा हुआ धीमा शब्द सुनने से भाग तो नहीं रहे। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। शलोम।